मदर टेरेसा ने सैकड़ों गरीबों की जान क्यों ली। इसके अलावा वो अपने हॉस्पिटल्स में बच्चों को रस्सियों से बांध कर क्यों रखती थी। देखिए, हम सब ने बचपन से यही पढ़ा है कि मदर टेरेसा ने 1950 में गरीबों की सेवा के लिए एक चैरिटी बनाई थी और उनके लिए कई स्कूल और हॉस्पिटल भी खुलवाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी चैरिटी में लोग करोड़ों रुपए दान देते थे, पर ये उसका केवल 7% ही गरीबों पर खर्च करती थी। इनके ही चैरिटी में काम कर रहे डॉक्टर अरूप चटर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मदर टेरेसा सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए गरीबों की मदद करती थी। उनके हॉस्पिटल्स की हालत बहुत खराब थी, वहाँ न तो अच्छे डॉक्टर्स थे और न ही अच्छी दवाएं। इसके अलावा जिन बच्चों की दिमागी हालत ठीक नहीं होती थी, उन्हें रस्सी से बांध दिया जाता ताकि वो बिना हिले डुले पूरे दिन एक ही जगह पड़े रहे। मदर टेरेसा ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उनका मानना था कि इंसान दर्द सहकर ही ईश्वर तक पहुंच सकता है। वही जब ये खुद बीमार होती थी तो अपना इलाज अमेरिका के बड़े हॉस्पिटल्स में कराती। मदर टेरेसा ने 29,000 गरीब हिंदुओं को ईसाई बना दिया था।